बच्चों, आज फिर से जितेंद्र सर आपके बीच में आए हैं। हमने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि हम स्टेयर्स के ऊपर और टफ टेबल्स हम लिखने जा रहे हैं। आज की वीडियो स्पेशली हमारे एक दोस्त जो कि 13 टाइम विनर रहे हैं किसी खेल में, उनको डेडिकेट की जा रही है। स्पेशल उनके लिए वीडियो है, ध्यान से देखना सर आप भी, जिनके लिए वीडियो बनी है। आइए आज हम दिखाते हैं आज हमने कौन सा टेबल लिखा है। आज हमने अपने दोस्त के लिए 13 का टेबल हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। आप ध्यान करें, जब भी बच्चा स्टेयर्स के ऊपर पैर रखेगा अपना टेबल याद ऑटोमेटिकली करता चला जाएगा। उसके बाद हमने, कहते हैं ना कि आसान से कठिन की ओर जाना चाहिए, आसान हमने 2 से 5 के पहाड़े लिखे थे, कठिन 13 का कर दिया, अभी 69 का करेंगे और इसके बाद हम 89 का हम स्टेयर्स के ऊपर टेबल लिखेंगे। देखिए आगे आपको इस टेबल का फायदा क्या है कि 6 और 9, हम कहते हैं जैसे हम पहले कहते हैं गुरु चेला एक समान, या कोई 3 अक्षरों का एक नाम बताइए जो उल्टा सीधा एक समान, इसी तरह है 6 और 9। 6 लिखेंगे और 9 लिखेंगे, एक लिखना आ गया आपको, 6 भी और 9 भी दोनों एक समान होते हैं लिखने में। ये आपने 6 लिख लिया और इसका अगर हम उल्टा कर देते हैं, ये हमारा 9 आ जाए। इस तरह से एक अक्षर आपको मल्टीपल यूज में काम आएगा, जैसे हमने हिंदी के अक्षर में भी बताया था। अब हम धीरे धीरे इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आप सभी मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहे होंगे और आगे भी देखते रहेंगे। आपको टेबल किस तरह से याद करनी है ये हम इसके अंदर आपको बताते जा रहे हैं। आई होप सबको वीडियो पसंद आएगी। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे का काम और अच्छे से करता रहूं। ओके बाय।